सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मित्रता का संबंध आँख और हाथ के रिश्ते जैसा है, हाथ को चोट लगती है तो आँख आंसू बहाती है और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछने लगता है। आज का पंचांग 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 11:43 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:28 से 9:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार, आज आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप कुछ खूबसूरत चीजों से प्रभावित होंगे, इससे आपका कुछ रचनात्मक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उससे सौंदर्य बोध का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार ले सकते हैं। पूरे दिन हंसी मजाक वाले मूड में रहेंगे और इससे कार्यस्थल पर भी माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें, जिससे आपको शांति और नई ताजगी मिलेगी। काम का बदलाव होने के बावजूद आप एक्टिव महसूस करेंगे। संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता दूर होगी। जरूरी बातों का ध्यान रखने की वजह से लक्ष्य से संबंधित बाधाओं को दूर करना संभव हो पाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा लेकिन खर्चे भी उतनी ही मात्रा में होने वाले हैं। घर के कनेक्शन से संबंधित निर्णय जल्दी ही लेने की आवश्यकता है। काम की जगह उच्च पद प्राप्त हो सकता है लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी जाने वाली है उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। हर स्थिति में पार्टनर का साथ प्राप्त होने की वजह से आपसे संबंध सुधरते नजर आएंगे। ऐसे डीटी को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। सावधानियाँ, यह समय धैर्य और संयम रखने का भी है। व्यर्थ की नोकझोंक तथा वाद विवाद से दूर रहें। इसी काम में विफलता मिलने से कुछ निराशा की स्थिति रहेगी। आप स्वयं को दोहराएंगे पर खड़ा महसूस करेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर के बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। आप और आपके साथी हाल ही में काफी व्यस्त थे, इसीलिए आज अब एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए प्रयत्न करें। रात्रिकालीन भोजन करने किसी अच्छी जगह जाएं, जहां आपका साथी आपकी ओर आकर्षित हो सके। प्रशंसा की भाव गंभीरता आपके करियर को और आगे लेकर जाएंगी। एकल व्यक्तियों के लिए भी किसी के साथ बहसबाजी उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। किसी के साथ बाहर जाना महत्वपूर्ण होगा जो उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। बात करते हैं करियर की। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके धर्म कर्म में आ सकता है और आपको उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अप्रत्याशित विलम्ब इस अवसर को गवा सकते हैं। आप एक धन रूपी अवसर को खोज सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकार या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है, जो कि
आपको लाभ देगा। बात करते हैं करियर की। अपने घर से जुड़ी हुई अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। आज आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के मौके मिलेंगे या बदल भी सकते हैं। योजनाओं को अंतिम रूप दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप अपने घर या घर के किसी हिस्से के रिनोवेशन या रिमॉडलिंग की योजना बना रहे हैं तो इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए ज्यादा प्रयास करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।